चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो श्रीमान कफन में जेब नहीं होती। आप भी उसी तरह मरेंगे जिस तरह मैं मरूंगा। हालांकि 2-3 करोड़ रुपया आपने शमशान के मॉडिफिकेशन में लगा दिया, 2-3 करोड़ रुपया आपने शमशान के मॉडिफिकेशन में लगाया, कलकत्ता से घास मंगाया, लेकिन जहां पर इंसान की जरूरत थी उसको आपने बिल्कुल शटर बंद करने के कागार पे ला दिया है। चलिए धन्यवाद श्रीमान। लेकिन एक बात तो जरूर कहेंगे कि वेर इज विल देर इज अवे, देर इज ए पॉजिटिव सेगमेंट रिगार्डिंग द साइट्स ऑफ मेडिकल अप्रोच। दिस इज द ओनली वन हॉस्पिटल इन दिस बागमारा एरिया वेर द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स आर गेटिंग द मेडिकल फैसिलिटी, बट नाउ इट इज इन स्टिल जीरो कंडीशन। जीरो हुआ या बनाया गया, प्रश्न जीरो हुआ या बनाया गया। अगर बनाया गया तो माननीय बीसीसीएल के उत्तर जितने भी बड़े कर्मद अधिकारी हैं सोए तो नहीं थे, आंख में तो पट्टी नहीं बांधे थे, धृतराष्ट्र तो नहीं बन गए थे। अगर धृतराष्ट्र बन गए थे तो आपके बीबी बच्चों का जब इलाज करने की बात आता है, आपके माता पिता का जब इलाज करने की बात आता है, आपके घर में जब लोगों की इलाज करने की बात आती है, उस समय आपके लिए कलकत्ता, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब सब दिखाई पड़ता है। आम जनता पीसता रहे, आपके कोयले का डस्ट खाता रहे, खदानों के आसपास में जीता रहे, पानी के लिए कराहता रहे, और जब ये सारी चीजों से बच गया तो मुर्दा घर में लाकर फेंक दीजिए। उसके लिए भी आपको परमिशन लेकर बॉडी निकालने में 2-4 घंटा तो लग जाएगा। धन्यवाद श्रीमान। कतरास के तमाम नगरवासी जो व्योम टीवी के इस पेज को देख रहे हैं, सभी को जय हिंद। ऊपर वाले बोर्ड से तो आपको पता चल गया होगा कि कतरास के किस कोने पे हम हैं। आज एक आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी बातों को जब भी सोचता है, अगर जागे में सोचे तो बात अलग है, सोए में भी अगर सोच लिया, सपने में भी सोच लिया, तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या ये आती है, अब मेरा क्या होगा, हम किसके भरोसे, क्या भगवान भरोसे, डॉक्टर भरोसे, जनप्रतिनिधि भरोसे, या आम नागरिक जिला प्रशासन के भरोसे। लेकिन उसको कभी ना कभी किसी न किसी पर निर्भर होना पड़ता है। हम हैं कतरास टीलाटांड़, जो कि बीसीसीएल के हॉस्पिटल के नाम से बहुत पहले फेमस हुआ करता था, आज वो हॉस्पिटल खुद ही अपने दुर्दशा पे रो रहा है। आवाज अनेक जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया, माननीय विधायक जी के भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए, और करवद तरीके से आज भी इस हॉस्पिटल को संचालित और स्वचालित करने में उन लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूमिका निभाई है। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बिल्कुल उनका एक नेगेटिव अप्रोच रहा इसके प्रति, लेकिन प्रश्न उठता है कि जहाँ कम से कम 3 से 4 वार्ड शहरी और ग्राम पंचायत की बात करें, भी इलेक्शन हाल ही में उठा, मैंने किसी एक भी जनप्रतिनिधि को इसके बारे में आवाज उठाते नहीं देखा, या इससे पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे, पता नहीं इसका कारण क्या था, आवाज नहीं उठी। वैसे जनप्रतिनिधि जो खासकर नगर निगम या ग्राम पंचायत के पंचायती राज व्यवस्था के राजनीति से जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी हॉस्पिटल क्या आपको आसपास में कहीं दिखी? निजी हॉस्पिटल की हम बात नहीं करेंगे, ना उस पर हमको उंगली उठाने का मेरा हक बनता है, सरकारी हॉस्पिटल की बात करेंगे। कोरोना काल का पीरियड बीता, उस समय भी लगातार लोगों ने इस पर बात उठाई, और लोगों के बीच में यह बात रखा गया, प्रशासन के बीच में भी अनुरोध किया गया कि श्रीमान इस हॉस्पिटल को आखिर आज मुर्दा घर में आप क्यों तब्दील करने में लगे हुए हैं। हालांकि व्यवस्थाएँ सब दिखेंगी, एम्बुलेंस दिखेगा, कर्मचारी भी कार्यरत हैं, हर शिफ्ट में कंपाउंडर डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, 2-3 डॉक्टर्स जैसा जानकारी मिला। हालांकि जब तक कोई आधिकारिक रूप से कोई बोलने को तैयार नहीं हो तो हम उस चीज़ को आपके पास नहीं रख सकते, लेकिन एक बात हम रख रहे हैं, आम नागरिक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जब बात उठती है तो वो इतना चिंतित क्यों होता है? और भी देश हैं, और भी राज्य हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को सबसे पहले देखा जाता है। चलिए आपका भ्रमण करा देते हैं बाहर से ही, और इससे आप अंदाजा कर लेंगे कि सारा विभाग स्वच्छ, मैंने बिल्कुल समुचित ढंग से, बिल्कुल एकदम बिल्कुल विश्वसनीयता के ढंग से यहाँ काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन होता था, पुरुष विभाग था, उसका कार्यालय था, वाय विभाग था, आउटडोर पेशेंट भी यहाँ पर आते थे, पैसा जमा कर अपना बेहतर इलाज लेते थे। आज भी 1-2 डॉक्टर हैं, आप उनसे अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि आज जिस दिन हम लोग यहाँ पर आए हैं अभी डॉक्टर साहब नहीं मिले, संडे का दिन है, इसके लिए उसको नेगेटिव ना समझे। चूंकि आज संडे का दिन है और डॉक्टर कोई मुझे मिले नहीं, इसलिए मैं इंटरनल स्टेटमेंट पर वीडियो को आपके पास नहीं पहुंचा पाऊंगा जब तक कि मैंने पूर्ण रूप से परमिशन और अनुमति नहीं लेना है। लेकिन चूंकि हॉस्पिटल में यहाँ स्टाफ के रूप में यहाँ पर हैं तिवारी जी, कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो स्टाफ हैं और हम लोग तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। पानी नहीं ना मिल रहा है बाबा, ये तो पक्का है आप लोग? पानी एक्चुअल में क्वार्टर में आ रहा है, कहीं पे पाइप का कुछ प्रॉब्लम है, वो काम लगा हुआ है, हो सके हो जाएगा 2-4 दिन में। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे?
हम लोग तो कर्मचारी हैं, हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं नहीं। अरे तो कुछ तो यहाँ समस्या है जो तो बताते हैं। समस्या जैसे डॉक्टर का समस्या था तो एक दो डॉक्टर अभी ज्वाइन किए हैं, दो डॉक्टर हमारे आए हैं, वो एक आध सप्ताह में ज्वाइन किए हैं, इसके बाद तो आगे एमओ मैडम ही बता। देखिए यहाँ पर इन्होंने सीधा बोला कि एमओ मैडम ही इसमें बता पाएंगे। इस इलाके का आन शान बान हुआ करता था, साफ सफाई चारों ओर दिखती थी, डॉक्टर दिखते थे, सभी लोग आते थे, अपना काम करते थे। अगर पूरा हॉस्पिटल घूमेंगे तो मुझे लगता है अंदर से डेढ़ से दो घंटा आपको लग जाएगा एक एक कोना वार्ड जाने में। मेडिकल के करीब करीब इतनी सुविधाएं यहाँ मौजूद थी कि आम नागरिक अपना इलाज या BCCL कर्मी अपना इलाज बेधड़क यहाँ करवा सकते थे। आज यह हॉस्पिटल महज मेडिकल करवाने का एक जगह बन गया है। स्वास्थ्य की हम जब बात करते हैं तो जनप्रतिनिधि बिल्कुल मौन हो गया था। ऐसे में नगर निगम पंचायत के अंतर्गत एक व्यक्ति को मैंने देखा सोशल मीडिया पर, अभी थोड़े से एक्टिव में मैंने उनसे अनुरोध किया दिलीप जी के बारे में। अगर हॉस्पिटल बंद है या मूलभूत सुविधाएं यहां तक नहीं पहुंच पा रही है या BCCL इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन? नहीं, राजनीति के लिए नहीं। देखिए जब हम छोटा हुआ करते थे, मेरे पापा भी BCCL ड्यूटी करते थे, तो कुछ भी होता था, मेरा चाहे मेरे बस्ती का अगल बगल का किसी का भी कुछ होता था तो यही हॉस्पिटल आते थे, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ठीक हो जाता था। लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ पता नहीं, सब कुछ मतलब एकदम कुछ भी हमको लगता है यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि विधायक जी के लोग भी एक बार आवाज़ उठाए थे इसका, मीटिंग वगैरह हुआ दूसरा 2018 में, तो फिर भी तो आप लोग चुप हो जाते हैं 2-4-5-10 दिन के बाद। नहीं नहीं, ऐसे चुप नहीं होंगे हम, हमें उस तरह का प्लान मेरा नहीं है, चाहे हम कुछ सोच के रखें कुछ। जैसे मेरा है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री के पास हमको एक कॉपी भेजना है, एक कॉपी हमको मुख्यमंत्री क्या करने जा रहे हैं, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप हम बनाएंगे, इसका पेपर बनाएंगे और उसमें हजारों की संख्या में मैंने सिग्नेचर अभियान चलवाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ अगर नहीं हुआ तो खुद हम जाके इसको हर जगह पहुंचाएंगे। हमको दिल्ली तक जाना पड़े स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य जो हम लोग का। जब आप छोटे थे तो जो आपके पास जानकारी मिलता था सारी सुविधाएं यहाँ पर, मेरा खुद पैर हाथ पैर दोनों टूटा हुआ, यहीं ठीक हुए हम। अच्छा, दोनों यहीं ठीक हुए। तो अभी अभी क्या हुई, कहाँ अनदेखी हुई इतने लंबे समय? मुझे लगता है 15-17 साल के आसपास इसको बंद हुए हो गया, हालांकि है अभी भी, हम ये नहीं करेंगे कंप्लीट डेड है, लेकिन फास्ट ट्रैक पॉलिसी का ये लोग पालन कर रहे हैं, कहाँ लापरवाही? लापरवाही देखिए बात की बात है, सबसे पहले अगर आप अकेले जाइए तो डर लगता है, ये हॉस्पिटल नहीं हमको लगता भूतिया हवेली जैसे ना, कोई शूटिंग उस तरह का ऐसा माहौल अंदर में। बहुत साल के बाद यहाँ आदमी आया, कब आया? एक वैक्सीन लेने के लिए, तब आदमी को याद आया रिपिलाटर हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी था। हाँ हॉस्पिटल था, तब आदमी को ध्यान आया। हर चुनाव में एक मुद्दा होता है, चाहे वो सांसद चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक मुद्दा होता है तिलाटर हॉस्पिटल का विकास करेंगे, तिलाटर हॉस्पिटल को फिर से पहले जैसा बनाएंगे। तो क्या हुआ, यही हुआ कि महिला थाना खुला। एम्बुलेंस तो है, स्टाफ भी हैं, लोग आते भी हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ इलाज होता ही है, महिला वार्ड भी है, तो ऐसे स्थिति में आवाज़ उठाना क्या जरूरी था? आपको तो यहाँ विस्तारीकरण की बात करनी चाहिए थी, इसको पुनः उस तरीके से लाया जाए जहाँ पर ये पहले था। नहीं तो बंद तो है नहीं है यहाँ पर, जितना भी जैसे पहले सुविधा था जैसे सामान था कहाँ गया, उसे पूछना कौन जवाब देगा इसका, सामान कहाँ गया? हाँ इतना जो तो कुछ तो था ना, हर चीज़ का सुविधा था, भीड़ तो रहता था यहाँ पर, नंबर लगना पड़ता था यहाँ पर घुसने से पहले, आपको घंटा इंतजार करना पड़ता था तब जाके इलाज होता था, समझे? और आज यहाँ पर बोले ना के बराबर आदमी आता है। पूरा सरकारी तंत्र फेल है श्रीमान, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, आखिर एक निजी हॉस्पिटल पनपता क्यों जाता है, आखिर एक निजी हॉस्पिटल का फ्लोर बढ़ता क्यों जाता है? आज एक निजी हॉस्पिटल की आप बात करें, अगर पूरे धनबाद जिले में अगर आप मुझे दिखा देंगे कि कोई निजी हॉस्पिटल फेलियर के कागज पर है और सरकार ने किसी का, हालांकि बहुत बार रेड भी हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन पुनः वो संचालित और सचालित हो जाता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल आज मुझे लगता है अगर इसका पुनः निर्माण किया जाए तो करोड़ शब्द मुझे बोलने में, आंकड़ा तो नहीं लगा सकते, सिविल इंजीनियर नहीं है, मैंने अपना काम कर दिया। BCCL के हॉस्पिटल के इस गेट पर आकर जो बात मैंने उठाई है, अगर जनप्रतिनिधि आप भी छोटे बड़े जितने भी हैं, अगर शर्म है आपकी आंखों में, डंके की चोट पर यह बात हम कह रहे हैं, अगर शर्म है आपकी आंखों में तो यहाँ फिर इसको पुनः स्थापित करने में आप अपना भूमिका निभाइए, अन्यथा एक बात तो जरूर कहेंगे कि वोट की राजनीति तब तक आप कर सकते हैं जब तक आपके हड्डियों में जान है, जब तक आपके पैसों में आन बान और शान है, क्योंकि एक दिन हर वीडियो के अंत में मैंने एक बात कहा है, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती पर याद रखो श्रीमान कफन में जेब नहीं होती। आप भी उसी तरह मरेंगे जिस तरह मैं मरूंगा, हालांकि 2-3 करोड़ रुपया आपने शमशान के मॉडिफिकेशन में लगा दिया, 2-3 करोड़ रुपया आपने शमशान के मॉडिफिकेशन में लगाया, कलकत्ता से घास मंगाया, लेकिन जहां पर इंसान की जरूरत थी उसको आपने
बिल्कुल शटर बंद करने के कागज पे ला दिया है। चलिए धन्यवाद श्रीमान।